कस्टमर सर्विस की जो बात करते हैं ना, वो मेरा अनुभव बड़ा अनोखा रहा है इस मामले में। जहाँ पर ढाबे होते हैं वहाँ पर आप सोचिए ना किस तरह का सर्विस मिलता होगा, कैसा मिलता होगा सर्विस। सर मतलब रात को रुके आप 11 बजे, क्योंकि सुबह 3 बजे तक आपको कहीं पहुँचना है, रुद्रपुर पहुँचना है या आपको देहरादून पहुँचना है, जहाँ डायरेक्टली फ्लाइट जो है वो बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, तो या फिर आपको चंडीगढ़ पहुँचना है, दिल्ली से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो आप बताइए किस तरह का सर्विस, किसी ढाबे में कैसा सर्विस मिलता है। अच्छा, ढाबा कहाँ होगा, क्या शहर के बीच में ढाबा होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं। ढाबे कहाँ होते हैं? हाईवे पर होते हैं, बिल्कुल सही। और क्या उस हाईवे पर सुविधाएं बहुत होती है? बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक तो सिर्फ ढाबे नजर आते हैं, वहां पर जो सुविधा मिली वही वही मिली। और आपको अगर 11-11:30 के आसपास जाकर के अगर आप खाना मांगते हैं और खाने के लिए बैठते हैं, तो क्या आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलता है? नहीं ना। आप लोग तो ट्रैवल कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं। तो मेरा टिपिकल तजुर्बा कैसा रहा है, और इन्होंने अमोल जी ने मुझे फिर बताया किस तरह का वो तजुर्बा इतना अनोखा क्यों है। अगर मैं कहीं जाऊं और मैं बोलूं कि अच्छा भैया खाने में क्या मिलेगा, तो ऐसे पटकता था टेबल पर वो मेनू कार्ड, हाँ लिखा है ना सब मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो रोटी आप 2 दे दीजिए। नहीं रोटी नहीं मिलेगा, तंदूर बंद है। अच्छा तो चावल दे दीजिए। हाँ ठीक है, और सब्जी में बताइए क्या मिलेगा, लिखा है ना मेनू में सब मिलेगा। तो आप मिक्स्ड वेजिटेबल दे दीजिए। मिक्स वेजिटेबल नहीं है। अच्छा तो दाल मखनी दे दीजिए। दाल मखनी नहीं है। अच्छा तो है क्या? अरे बोला है ना मेनू में जो लिखा है वो मिलेगा। और ये बातचीत में अगले 15-20 मिनट तक वैसे चलती थी कि मिलता क्या है यहाँ पर। फिर मैं बोलती थी देखिए जो मिलता है लेकर आइए, और मैं इतनी परेशान थी इस बात से। वो ग्लास के अंदर उंगली डालकर पानी रखेगा, ठीक है, प्लेट को हमको हम कुछ मुझे अपना रुमाल से साफ करना पड़ता। कई बार गंदा प्लेट मिलता था, और कई बार क्या कहते हैं वो खाने में नमक कभी ज़्यादा, कभी ठंडा खाना, कभी रोटी रबर की तरह। और मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मुझे आदत थी बम्बई की, मुझे आदत थी अच्छे होटल्स की, मुझे आदत थी कि लोग सर्विस देते, क्योंकि हम खुद सर्विस इंडस्ट्री में है ना। तो इन्होंने मुझे समझाया, इन्होंने बोला देखो ये ऐसा नहीं है कि अम्मा, मैं कंप्लेन भी करती थी आकर, अरे क्या यार कैसा घटिया सर्विस, रात को 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे बोलते हैं नहीं कुछ खाना नहीं है, चाहिए तो आपको ब्रेड मिलेगा। इतना इतनी इतनी बदतमीजी से बात करता था मुझसे। तो मैंने कई बार कंप्लेंट्स मैंने की है, तो इन्होंने बताया तुम कंप्लेन कर रही हो ना, लेकिन इसमें कुछ फायदा नहीं है। मैंने कहा अरे फायदा क्यों नहीं है? इन्होंने कहा इनको पता नहीं है कस्टमर सर्विस क्या, इनको नहीं पता है कि पानी सर्व करते समय उंगली डाल करके नहीं देते हैं, इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आते ही तुरंत किसी को देख करके स्माइल करते हैं या मुस्कुरा के बुलाते हैं, किसी को बिठाते हैं, पूछिए आप क्या खाएंगे और बता, इनको नहीं पता है। तुम जो अपेक्षा कर रही हो ना, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो। ये लोग छोटे छोटे गाँव से मतलब भाग कर आए हैं, आधे लोग जो सर्व करते हैं, क्योंकि उनका घर में उनके घर में सूखा होता है या परिस्थिति इतनी खराब होती है कि वो नौकरी करने कहीं ना कहीं तो आ जाते हैं। और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बड़े बड़े जगह पर तो काम नहीं मिलती है, इनको ढाबों में काम मिलता है, पेट्रोल पंप पे काम मिल गया, कहीं साफ सफाई का काम मिल गया, काम लोडर अनलोडर का काम मिलता है, यही काम मिलता है इनको। सर्विस जो तुम बोलती है ना, इनको पता नहीं है। तो तुम अगर इनसे एक्सपेक्ट करती हो कि ये तुम्हारा स्वागत करेंगे, इनको पता ही नहीं कि स्वागत क्या है, क्योंकि इनकी स्वागत किसी ने नहीं की है लाइफ। वो घर पर जब आते हैं ना, किसी ने इन्हें कहा अरे बड़े भूखे लगते हो आ जाओ बैठो, प्यार से किसी ने बात नहीं किया। तो क्योंकि वो प्यार से उनको पता ही नहीं है प्यार से बात करना क्या होता है, वो वही प्यार से आपसे बात नहीं कर सकते, तुमसे तुमको तो पता ही नहीं है कि वो उनको नहीं मालूम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नॉलेज था, मेरे लिए बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको हम देना नहीं चाहते। मुझे लगता है सब लोग सर्विस देना चाहते हैं ना, क्योंकि 2 तरीके के इंडस्ट्रीज होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर हम वस्तु बनाते हैं, है ना कुछ चीज़। तो अगर मैं कुछ खरीदती हूँ तो हम कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग वाले से आया है, जैसे लैपटॉप खरीद लिया, माइक खरीद लिया, बैग खरीद लिया, आपका टी शर्ट खरीद लिया, तो हमने पूछा कि आप किस कंपनी से आपने मंगाई, तो कंपनी का नाम बताते हैं, कहते हैं ये टी शर्ट वहाँ से आया। तो वो चीज़ हम हाथ से मतलब उसको महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको पहन सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं? नहीं ना। हम बता हम क्या वस्तु बनाते हैं? नहीं तो हम किस इंडस्ट्री में? हाँ इत्तेफाक की बात है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में, मतलब हम कुछ दे नहीं सकते हैं सिवाय सर्विस के।
कोई वस्तु नहीं है जिसको देख के इंसान बोले अरे वाह ये क्वालिटी तो बड़ा अच्छा है. हमको कस्टमर सर्विस जो है उस इंडस्ट्री में ही हम है. गांधी जी का एक के कहावत है, वो कहते हैं कि ग्राहक जो है कस्टमर जो है वो हमारे काम का रुकावट नहीं है, हमारे काम का कारण है. काम का रुकावट नहीं है या काम में रुकावट या आपत्ति लाने के लिए नहीं आया है, हमारा हमारी वजह है वो. उसकी वजह से हम काम करते हैं, कस्टमर के लिए हम है, उपस्थित है कस्टमर के लिए. मुझे बड़ा सुंदर लगा क्योंकि हम भी तो सर्विस इंडस्ट्री में है ना, हमारे भी क्लाइंट्स हैं और उनका भी सर्विस हमारा काम होता है. कई बार कस्टमर नाराज होते हैं, कई बार कस्टमर कुछ डिमांड करते हैं जो हम पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो जान लिया है कस्टमर को लाना बहुत मुश्किल, कस्टमर को टिकाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल, उससे भी ज्यादा मुश्किल. इसका मतलब है एक एक कस्टमर जो आता है हमारे लिए, हमारे पास जो रिसोर्सेस नहीं होंगे, कंप्यूटर सिस्टम नहीं रहेगा, शायद ईआरपी बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा, शायद टेक्नोलॉजी नहीं है, शायद लोग नहीं है, लेकिन कोई भी कस्टमर अगर आपको देखता है कि आप अपने आपे से एक कदम बाहर जाकर के उनके लिए सेवा करते हो, वो कस्टमर अपना बन गया जिंदगी भर के लिए. सही, एक कदम आगे, बस एक कदम. पहले आप जो करते थे उससे एक कदम आगे, एक स्माइल और नमस्ते सर आइए ना बैठिए ना आप कैसे हैं, इतना भी पूछ लिया. और अगर आपको नाम याद है, मैं एक होटल इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, फाइव स्टार होटल्स में मैं काम कर चुकी हूँ, मेरी करियर की शुरुआत वहां से हुई. सो अम्बेसडर होटल और क्या हॉलीडे इन ऐसे इंटरनेशनल होटल्स में काम कर चुकी हूँ. मैंने वहां से सीखा कि सर्विस क्या होता, वो हमको सिखाया जाता था. हमको कस्टमर जो आते थे, गेस्ट जो आते थे रहने के लिए, उनके फोटो के साथ हमको बयाहट करना पड़ता था. तो अगर रिसेप्शन काउंटर में आते हैं हमें हमारी जरूरत, मतलब हमको जानना था, उनको चेहरे से पहचानना, इट वॉज अ मतलब वो ड्यूटी, वो रूल था हमारे लिए कि कस्टमर कोई आए जो दूसरी बार भी आए तो उनके चेहरे से हम उन्हें पहचान, उनको नाम से बुलाएं, उनको जो कमरा पसंद है वो हमको याद रहना है, वो कंपल्सरी है. अगर उनको 513 पसंद है तो उनके आते ही हमको बोलना चाहिए था मिस्टर शर्मा आइए 513 आपके रूम ब्लॉक करके रखी हूँ, आपके बिल्कुल तैयार रखा हुआ है. और सर आप टिपिकली रात को जैन खाना पसंद करते हैं, वो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है. मतलब ये सामने से उनको बोलना पड़ता था, अलाउड नहीं था कि कोई कस्टमर दूसरी बार आए और हमको उनके बारे में याद न रहे, ये अलाउड नहीं था. इतना लोड रहता था उस कस्टमर सर्विस को लेकर के, उनके खाने को, जैसे वो अगर खाने खाने मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं होटल मतलब रेस्टोरेंट में जाएंगे ना ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, वहां का जो वेटर था उनको उनका नाम, लास्ट कब आए थे, उनको लास्ट क्या खाया था, सर लास्ट टाइम आपने मसाला डोसा मंगाया था इस बार भी वही खाएंगे, मंगा दूं, ये बोलना पड़ता था क्योंकि वहां पर रूल था कस्टमर सर्विस. ताज्जुब की बात है हमारे यहां पर भी रूल है. तो जितना हमारे पास है इसको तो बढ़ाना ही है, शक ही नहीं है ना, बिल्कुल शक नहीं है कि जितना हमारे पास रिसोर्सेस है, लोग हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ब्रांचेस हैं, व्हीकल्स हैं, वो सब तो बढ़ाना ही है, उस पर तो कोई शक नहीं है. लेकिन क्या हम इंतजार करेंगे कि जब तक वो नहीं आएगा हम कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे? क्या हम वेट कर रहे हैं कि आने के बाद सर्विस देंगे? नहीं ना. और आपको ये तजुर्बा एक बार कभी लेना पड़ेगा, अगर कभी हिम्मत हुए, कभी होना चाहिए आपको, वो हिम्मत करिएगा. आप गूगल तो आपके पास सभी के पास होगा ही, या किसी से मदद मांग लीजिए, बेटे से, भाई से, बहन से, या बगल के बच्चे से, सब बच्चों को पता है. गूगल से किसी भी एक अच्छे होटल का, आप फाइव स्टार होटल का या अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी का ना फोन नंबर आप ले लीजिए और फोन करके ना सिर्फ सुनिए कि वो कैसे बात करते, ठीक है, सिर्फ सुनिए एक बार कैसे बात करते हैं, कैसा सर्विस देते हैं, आप एकदम मतलब चौकन्ने रह जाएंगे. कस्टमर खुश होता है तो क्या होता है जरा बताइए ना. एक कस्टमर खुश है हमसे तो क्या करेगा, क्या करेगा, रेफरेंस देगा, 10 जन को नंबर देगा. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10 जन को अपना नंबर देगा और बोलेगा यार मैं तो बहुत लोगों से काम करके साथ काम कर चुका हूं, इनके साथ काम करने में जो मजा है, ऐसा लगता है ये हमको हमारे बारे में जानते हैं. तो एक तो 10 जगह पर वो रेफरेंस देगा, एक्सलेंट. और क्या क्या करेगा, क्या करेगा, सुपरलेटिव. अरे वाह बहुत जबरदस्त. मतलब अब देखिए ना, कोई भी कंपनी जो है वो हर साल उतना ही धंधा तो नहीं करती ना, उतनी ही करती है क्या, नहीं. हर साल कितना बढ़ती होगी, 15% 20%, बड़ी कंपनी तो 50% ग्रो करती है. इसका मतलब है कि हमारे साथ जुड़े रहने से हर साल
वो अपने को धंधा 50% तक बढ़ा के दे सकता है, बराबर? तो वो बराबर है, अगर कस्टमर खुश है तो हमको 30-40 जितना वो ग्रो करेगा उतना धंधा अपना बढ़ा के देगा, वंडरफुल। और एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए, अगर कस्टमर हमसे खुश है तो क्या करेगा? हमारे ऑफिस के अंदर विजिट करने के लिए जब वो मिलने के लिए आता है तब वो अपनापन महसूस करता है। अच्छा, जब वो ऑफिस में विजिट करने के लिए आता है तो क्या करेगा? तो अपनापन महसूस करता है। वो अपनापन महसूस करेगा, एकदम सही, और हमारे साथ सालों तक रहेगा, रिलेशनशिप फॉर लाइफ, कहीं जाएगा नहीं। अगर कस्टमर को अपना माहौल पसंद है तो अगले 100 साल तक कहीं नहीं जाए। और मुझे लगता है जब कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, जैसे आप लोगों ने सही बताया, कहीं नहीं जाएगा, 10 जगह पे नाम बताएगा हमारे बारे में, हमको बढ़ता हुआ धंधा देगा हर बार, और लोगों का रेफरेंस हमको देगा, और फिर ये सब करने से टारगेट जो है ना पूरा होगा। कस्टमर सर्विस के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूं, खुद भी मैं अपेक्षा करती हूं कि कस्टमर सर्विस मुझे बेहतरीन मिले। मुझे पता है कि लोगों को जब देते हैं तब भी वर्ल्ड क्लास ही देना चाहिए।